घर, स्कूल और कॉलेज में पढ़कर तो लाखों छात्रों ने अपनी मंजिल हासिल की है, लेकिन बिहार के एक नौजवान ने जेल में रहकर अपना भविष्य संवार लिया है। जेल में बंद कैदी से शायद ही कोई ऐसी उम्मीद कर सकता है, लेकिन नवादा मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी कौशलेंद्र कुमार ने IIT क्वालिफाई की और सबको चौंका दिया। कौशलेंद्र को इस परीक्षा में 54वां रैंक मिला है, जिसकी चर्चा पूरे नवादा में हो रही है। जानकारी के अनुसार कौशलेंद्र कुमार उर्फ सूरज कुमार जिले के वारसिलीगंज थाना क्षेत्र के मौसमा गांव का रहने वाला है। बीते 19 अप्रैल 2021 को मौसमा गांव में मारपीट की घटना के आरोप में वो जेल में बंद है। वो मारपीट में एक 45 वर्षीय युवक संजय यादव की मौत हो गई थी। सूरज का सपना वैज्ञानिक बनने का है, यही वजह है कि वो जेल में आने के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और सेल्फी स्टडी के जरिए ही तैयारी की। बता दें, सूरज कुमार करीब 11 महीने से जेल में बंद है और जेल में सेल्फ स्टडी कर IIT क्वालिफाई कर गया। IIT रुड़की द्वारा जारी रिजल्ट में उन्हें 54वां रैंक मिला है। IIT के द्वारा हर साल ज्वाइंट इंडियन टेस्ट फॉर मास्टर IIT जेम का आयोजन करवाया जाता है। यह एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें माध्यम 2 वर्षीय MSc प्रोग्राम कोर्स दाखिला मिलता है। सूरज के लिए आगे की कोर्स जाने का रास्ता साफ हो गया। उसने अपनी सफलता का श्रेय पूर्व जेल अधीक्षक अभिषेक कुमार पांडे और अपने भाई वीरेंद्र को दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC 24।